हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। यह है अन अकेडमी का अन अकेडमी यूपीएससी और आप देख रहे हैं मुझे यानी कि दुर्गेश नंदन को अन अकेडमी यूपीएससी पर। डेली इवनिंग शाम को 7 बजे मैं आता हूं आपसे मिलने और वीकडेज में हम लोग बात करते हैं शाम को 7 बजे विश्व इतिहास की। जी हाँ, 7 PM का जो टाइम है दैट इज रिजर्व फॉर हिस्ट्री, हिस्ट्री की स्टोरी है ना, इतिहास की कहानियों के लिए 7 PM का टाइम वीकडेज में रिजर्व है। वीकेंड पर हम कुछ अलग टॉपिक पर बातें करते हैं और आज संडे है तो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो 2020 के अंदर न्यूज़ में रहे। तो ऐसे नेशनल पार्क्स, ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो 2021 के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो 2020 में न्यूज़ में आए हुए हैं, ऐसे सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने। अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर हम लोग एक 6 मंथ्स का अल्टीमेट बैच शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और DN लाइव कोड यूज़ करके आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बैच में इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज पढ़ा रहे होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, पूरा का पूरा सिलेबस एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कवर किया जाएगा और जो फाइनेस्ट ऑफ एडुकेटर्स हैं वो आपको पढ़ा रहे होंगे, क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज के साथ साथ क्विजेज, उसके साथ डाउट सेशन, है ना। मतलब एक होलिस्टिक पैकेज, एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है, आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक ही सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस है, सारी की सारी क्लासेस लाइव होती हैं, कोई रिकॉर्डेड क्लास वाला सिस्टम नहीं है कि आपको पेन ड्राइव कोर्स दे दिया जाएगा, बिल्कुल लाइव क्लासेस होती हैं। और लाइव होने के बाद, है ना, वंस द क्लास हैज बीन टेलीकास्टेड लाइव, उसके बाद आप जितनी भी रिकॉर्डिंग्स देखना चाहें, जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं, अनलिमिटेड आपका एक्सेस रहेगा। और आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे, है ना, ये वाले बैच को, पर अगर फिर भी आपको लग रहा हो कि नहीं, आपके पास सरप्लस टाइम है, आप मेंस वाली किसी बैच में क्लास अटेंड करना चाहते हैं, एथिक्स की क्लास पहले ही अटेंड कर लेना चाहते हैं, या प्रीलिम्स बैच आपका ख़त्म हो जाए उसके बाद आप मेंस के बैच को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल के लिए आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल, ठीक है। DN लाइव मेरा कोड है, इस कोड को आपको यूज़ करना है, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप प्लस के प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ जाएंगे। इस बैच को शुरू भी मैं ही कर रहा हूँ, है ना, तो कल शाम को 4 बजे से ये बैच शुरू हो रहा है, 4 PM to 6 PM I'll be starting the batch and I'll be waiting for you, है ना। चलिए, तो ये बात हो गई इधर की। और सर फी क्या है, 49,000 वन ईयर का फी है, 672 टू ईयर का फी है। आपको लगाना है कोड DN लाइव, है ना, यहाँ पे कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे कोड अप्लाई कर दीजिएगा DN लाइव और फिर 10% डिस्काउंट के बाद 44,000 में वन ईयर का सब्सक्रिप्शन और 64 में आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें कि साथ में मेंटरशिप भी मिलती है, उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो अगर आपने लेना हो तो अभी ले लीजिएगा, थोड़ा जल्दी ले लीजिएगा, ठीक है। सारे बच्चे आ गए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग कैलाश, गुड इवनिंग संचिता दोलोन, भुवनेश्वर साहू, अमन बाचल, सौरभ खान, आरती सिंह, हेलो एवरीवन, सुषमा ठाकुर, गुड इवनिंग जी, सुहैल, पूर्णिमा, प्रीति देवी, अभिषेक कर, आ जाओ सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो शुरू करें ये डिस्कशन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो 2020 में न्यूज में थे। तो सबसे पहला नेशनल पार्क जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा मुदुमलई नेशनल पार्क, है ना, मुदुमलई नेशनल पार्क। और ये एक टाइगर रिजर्व भी है, है ना, मतलब NTCA के अंदर भी आता है। टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया आर एडमिनिस्टर्ड बाय NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो सबसे पहली बात तो सर ये न्यूज़ में क्यों था, है ना, ये न्यूज़ में दो रीज़न से था, है ना, दो रीज़न से न्यूज़ में था। पहला रीज़न ये कि जो टाइगर एस्टिमेट्स हैं हमारी कंट्री में, उन टाइगर एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जो मुदुमलई टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु में है ना, दिस इज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में टोटल 4 टाइगर रिजर्व्स हैं एंड मुदुमलई इज हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन तमिलनाडु, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन तमिलनाडु। एक कारण ये था न्यूज में आने का, है ना। दूसरा कारण ये था कि काफी समय से एक विवाद चल रहा था रिगार्डिंग एलिफेंट कॉरिडोर, है ना, नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर। तो उस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, है ना, तो दैट वॉज अबाउट द नीलगिरी कॉरिडोर। और नीलगिरी कॉरिडोर भी जो है वो यहीं पर स्थित है, है ना, इसी नेशनल पार्क के पेरिफेरियल एरिया में नीलगिरी कॉरिडोर सिचुएटेड है। उसके संबंध में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है वो आपको बताऊंगा, नीलगिरी कॉरिडोर की भी बात करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्यों न्यूज में था, बिकॉज ऑफ द नीलगिरी कॉरिडोर,
है ना, नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर, नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर के कारण ये न्यूज में था। चलिए ठीक है, तो दो कारण हो गए इसके न्यूज में रहने के। थोड़े टाइम पहले कुछ और कारणों से भी, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी वगैरह के कारण से भी मुदुमलाई जो है वो न्यूज में रहा था। चलिए, तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में और इसका कुछ हिस्सा कर्नाटक में और कुछ हिस्सा इसका जो केरला वाला रीजन है वहां पे है। तो ये बेसिकली एक ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है, राइट, दिस इज लोकेटेड इन अ ट्राई जंक्शन। ठीक, ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है, बड़ा हिस्सा जो है वो तमिलनाडु में आता है, इसका मेन पोर्शन जो है वो तमिलनाडु में है ना। जो ऊटी मैसूर हाईवे है, ऊटी मैसूर हाईवे भी यहीं से क्रॉस होता है, तो एक वो भी है। ये पूरा का पूरा एक्चुअली एक लैंडस्केप है, दिस इज एन एंटायर लैंडस्केप। और इस लैंडस्केप में मतलब एक तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है और एक कंटिगुअस जोन है। कंटिगुअस मतलब एक कंटिन्यूअस लैंडस्केप है, एक ही प्रकार का लैंडस्केप है, जिसमें एक तरफ मुदुमलाई है और एक तरफ आपका वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके वेस्ट में, है ना। तो वेस्टर्न पोर्शन में ये अगर मुदुमलाई है तो वेस्टर्न पोर्शन में आपका वायनाड सेंचुरी है और बांदीपुर टाइगर रिजर्व है नॉर्थ में। ठीक है, तो नॉर्दर्न साइड पे बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, तो दिस इज अ कंटिगुअस बेल्ट। ठीक है, कंटिगुअस विथ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑन द वेस्ट एंड बांदीपुर टाइगर रिजर्व ऑन नॉर्थ। आपको ये जानकर एक और है यहाँ पर बीटीआर है ना, तो बीटीआर साउथ की तरफ है। तो ये पूरे अगर लैंडस्केप को मिला दे तो पूरे इंडिया में दिस लैंडस्केप हैज द हाइएस्ट टाइगर डेंसिटी, है ना। ध्यान देना, अभी मैं थोड़ी देर बाद फिर किसी दूसरे नेशनल पार्क के लिए बोलूंगा कि यहाँ पे हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है। मैं एक पूरे लैंडस्केप के लिए कह रहा हूँ, है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर लैंडस्केप। मैं एक अभी मैं एक नेशनल पार्क की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा जो कंटिगुअस जोन है, ये पूरा जो कंटिन्यूअस इलाका है, इस इलाके में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। लगभग 700 टाइगर्स यहाँ पे हैं, है ना, लगभग 700 टाइगर्स यहाँ पर हैं। और इसी के साथ किसी एक पर्टिकुलर लैंडस्केप में होने वाले सबसे ज्यादा टाइगर्स जो है वो देश में यहाँ पर है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। यहाँ पर एक रिवर है मोयर रिवर, है ना, मोयर रिवर विच फ्लोज डाउन स्ट्रीम इन टू द मुदुमलाई टाइगर रिजर्व एंड इज नेचुरल लाइन ऑफ डिवीजन बिटवीन मुदुमलाई एंड बांदीपुर सेंचुरी, है ना। तो बांदीपुर सेंचुरी या बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई के बीच में, बांदीपुर और मुदुमलाई के बीच में ये मोयर रिवर जो है ये नेचुरल बाउंड्री से बना रही है। द MDR also forms part of नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बायोस्फेयर रिजर्व है कंट्री का, उसका पार्ट है ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। और ये बाकी के जितने आप ये प्रोटेक्टेड एरियाज के नाम यहाँ पे देख रहे हैं ये सब, है ना, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व, है ना। ये पूरा का पूरा जो है दिस इज नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे टॉल ग्रासेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक, कॉमनली रेफर्ड एज एलिफेंट ग्रास, है ना, बैम्बूज ऑफ जाइंट वेराइटी, है ना, वैल्यूएबल टिम्बर स्पीसीज हैं, टीक है, रोजवुड है, ये सब कुछ यहाँ पे मिलता है आपको। फौना की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको टाइगर, एलिफेंट, इंडियन गौर, पैंथर, है ना, बार्किंग डियर, मालाबार जैंट स्क्वेरल और हेना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फौना में आपको मिलते हैं। सत्यमंगलम, कलक्कड़, मुंडा थुराई, अन्नामलाई आर द अदर टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो मैंने आपको बताया टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं तमिलनाडु में। ठीक है, बट अगर टाइगर्स की संख्या में कंपैरिजन करें तो सत्यमंगलम वगैरह से काफ़ी ज़्यादा टाइगर्स जो हैं वो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में है। पिछले कुछ सालों में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन में। 100 से ज़्यादा टाइगर्स यहाँ पर हैं, 100 से ज़्यादा टाइगर्स हैं। अगर मैं पूरे कंट्री में बात करूँ तो 6th पोजीशन है इसका, है ना, देश में 6th पोजीशन है इसका टाइगर्स के संख्या में, और तमिलनाडु में टॉप मोस्ट है। पर अगर मैं इस पूरे रीजन की बात करूँ, ये जो पूरा कंटिगुअस रीजन है, ये टाइगर रिजर्व, इसके आसपास के जो प्रोटेक्टेड एरिया है, उन सबको मिलाकर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा टाइगर्स इसी रीजन में, किसी एक क्षेत्र में, कंटिगुअस क्षेत्र में यहीं पर है। ठीक है, तो ये था हमारा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज में था, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर है नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर, है ना, नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर यहाँ पर है। तो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक निर्णय को, मद्रास के हाई कोर्ट के एक निर्णय को सही ठहराया है, उसको जायज ठहराया है। वो निर्णय क्या था, नीलगिरी एलिफेंट्स का कॉरिडोर है यहाँ पर, और हाई कोर्ट ने बोला था, उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि इन जानवरों का अधिकार है, राइट टू पैसेज है वहाँ पे। आपको पता है कि एलिफेंट्स जो है वो इस प्रकार के जानवर है जो काफ़ी माइग्रेशन करते हैं ना, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन करते हैं।
तो जिस प्रकार से हर एनिमल का अपना अपना हैबिटेट होता है, तो इनका एक तो हैबिटेट हो गया, प्लस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक जंगल से दूसरी जंगल जाते हैं, मतलब अगर एक फॉरेस्ट ये है दूसरा फॉरेस्ट ये है, तो इसके बीच में इनका एक डेजिग्नेटेड पाथ होता है जिस पाथ से वो माइग्रेट करके दूसरे फॉरेस्ट एरियाज में जाते हैं। ठीक है, तो इन एरियाज को ही हम बोलते हैं क्या, एलिफेंट कॉरिडोर्स। तो इन एलिफेंट कॉरिडोर्स के ही संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है कि द एनिमल्स ऑल्सो हैव द राइट टू पैसेज, है ना, तो एनिमल्स के पास राइट टू पैसेज है, इसीलिए इस एरिया में जितने भी रिजॉर्ट हैं, ये जो नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर है यहाँ पर जितने भी रिजॉर्ट्स हैं उन सभी को बंद करवाने का ऑर्डर पहले ही हाईकोर्ट ने दिया था, 2011 में ही दिया था, अभी इसके खिलाफ वापस से इन्होंने याचिका वगैरह दायर की हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही आदेश है, है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा, कोई रिजॉर्ट नहीं चलेगा, सब बंद करो, एलिफेंट्स का अधिकार है। ठीक है, तो ये इकोलॉजिकली फ्रेजाइल सिगूर प्लेटो है यहाँ पर, राइट, दिस इज इकोलॉजिकली फ्रेजाइल सिगूर प्लेटो, है ना, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का कनेक्शन है। वैसे भी देखो हम किस रीजन की बात करें, नीलगिरी, है ना, आपको पता है नीलगिरी हिल्स पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है दोनों आकर मिल जाते हैं। ठीक, तो ये सिचुएटेड है कहाँ, नियर मुदुमलाई नेशनल पार्क इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, बता ही दिया आपको पहले ही। इट ऑल्सो हैज द नीलगिरी हिल्स ऑन इट्स साउथ वेस्टर्न साइड एंड मोयर रिवर वैली, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। लगभग 100 एलिफेंट कॉरिडोर्स भारत में है, जिसमें से कि लगभग 70% जो है वो रेगुलरली एलिफेंट्स यूज करते हैं, है ना, तो एलिफेंट्स की ये प्रवृत्ति है, एलिफेंट्स का ये नेचर है कि वो एक जगह स्थिर नहीं रहते, वो काफ़ी माइग्रेट करते हैं और बड़े एरिया में माइग्रेट करते हैं, जैसे कि झारखंड से उड़ीसा माइग्रेट कर रहे हैं, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ माइग्रेट कर रहे हैं, तो लार्ज स्केल इनका ऐसा मूवमेंट होता है। 75% कॉरिडोर जो है वो सदर्न, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट में है। ठीक है, 75% जो कॉरिडोर्स हैं वो सदर्न और सेंट्रल, सेंट्रल मतलब अभी जिस रीजन की मैं बात कर रहा था, छत्तीसगढ़ से झारखंड और उड़ीसा, है ना, तो वो सेंट्रल रीजन में आ गया, और नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट। ठीक, देयर आर एन एस्टिमेटेड 6,500 एलिफेंट्स इन जस्ट ब्रह्मगिरी नीलगिरी ईस्टर्न घाट रेंजेस, जो ब्रह्मगिरी नीलगिरी ईस्टर्न घाट का रेंजेस है वहीं पर, केवल वहीं पर लगभग 6,500 एलिफेंट्स हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, एलिफेंट कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, एक ही क्वेश्चन बार बार लिख दो, एक ही क्वेश्चन बार बार लिख दो, वो भी मेरे क्लास से संबंधित क्वेश्चन नहीं, मैं कहाँ से बता पाऊंगा तुम्हें यार, मैं कहाँ से बता पाऊंगा तुम्हें, बताओ। चलिए, तो आशीर्वाद सर ऐप पे क्लास ले रहे होंगे या कहीं क्लास ले रहे होंगे, वहाँ पे अटेंड कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अगला है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, देखो काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व किस संबंध में न्यूज़ में था, व्हाई दिस वाज इन न्यूज़, है ना, यहाँ पे एक आपको होमवर्क भी दूंगा मैं आपको, और यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो फेमस है वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए, है ना, वन हॉर्न एक सिंह वाला जो राइनोसेरस है उसके लिए फेमस है। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इस साल ये रहा क्योंकि काजीरंगा में फ्लड्स आ गए थे, काजीरंगा नेशनल पार्क में फ्लड आ गए थे। क्या ऐसा पहली बार हुआ, नहीं, है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क में फ्लड जो है वो रेगुलर फिनोमिना है, पर इस बार उससे डैमेज जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये देखिए, है ना, तो फ्लड की वजह से न्यूज़ में क्यों है, फ्लड की वजह से न्यूज़ में थे, तो इस बार इससे थोड़ा ज़्यादा डैमेज हुआ, काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ की जान भी चली गई, है ना, इसी वजह से ये न्यूज़ में था। आओ देखो इसको क्या है ये, तो ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है ये कार्बी एंगलोंग गोलाघाट और नगांव डिस्ट्रिक्ट में है आसाम के। ठीक है, आसाम के कार्बी एंगलोंग गोलाघाट और नगांव डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये ब्रह्मपुत्रा वैली में पड़ता है, है ना, ये ब्रह्मपुत्रा वैली में पड़ता है और लगभग अक्सर यहाँ पर फ्लडिंग होती है। तो फ्लडिंग का अपना इंपॉर्टेंस है इस काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो काजीरंगा सेंचुरी जो है वो 2/3, है ना, वर्ल्ड वन हॉर्न राइनोसेरस जो है एक सिंह वाले 2/3 राइनोसेरस पूरे वर्ल्ड के आपको सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं, एंड दैट इज द रीजन कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की स्टेटस पाई हुए है।
है ना। तो द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को, है ना। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कैटेगरीज है, तीन कैटेगरीज होते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के तीन कैटेगरीज होते हैं। पहला कैटेगरी होता है नेचुरल, ठीक है, जो किसी बायोस्फीयर रिजर्व या किसी नेशनल पार्क वगैरह को मिलता है, वो नेचुरल कैटेगरी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डिस्टिंक्शन मिलता है। दूसरा कैटेगरी होता है कल्चरल, किसी हिस्टोरिकल प्लेस को, किसी सिटी को, है ना, तो उनको कल्चरल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है। और तीसरा है मिक्स्ड, ठीक है। तो इंडिया में एक ही मिक्स्ड साइट है, इंडिया में एक ही मिक्स्ड साइट है, वो कौन सा है, कंचनजंगा, है ना। कंचनजंगा इज द मिक्स्ड साइट। तो नेचुरल कैटेगरी में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो हमारा काजीरंगा है, ठीक है, वन हॉर्न राइनोसेरस के कारण फेमस है, ठीक है। आपका होमवर्क ये है कि काजीरंगा के बिग फाइव किसको बोलते हैं। योर होमवर्क इज काजीरंगा के बिग फाइव किसको बोले जा किसको बोला जाता है, ठीक है। तो काजीरंगा हैज वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स अमंग प्रोटेक्टेड एरियाज इन द वर्ल्ड, है ना। तो टाइगर डेंसिटी जो है वो काफी ज्यादा है यहाँ पर, है ना, और इसीलिए 2006 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया था। वैसे अगर टॉप मोस्ट पोजिशन की बात करें तो फिलहाल इंडिया में हमारे नॉर्थ ईस्ट में ही ओरंग नेशनल पार्क है आसाम में, तो ओरंग नेशनल पार्क जो है वहाँ पर हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है। मैं पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं टाइगर डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। तो हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इज विथ ओरंग नेशनल पार्क इन आसाम, पर यहाँ पर भी वर्ल्ड लेवल पर अच्छा खासा डेंसिटी है। तो दरअसल एक्चुअली ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसकी बायोडाइवर्सिटी इस प्रकार की है कि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन, है ना, यहाँ पर जो इकोसिस्टम है वो, अब इसके नॉर्थ में आप देखिएगा तो हिमालय का फुटहिल्स आ गया, है ना, ईस्टर्न हिमालय वाला रीजन। साउथ में, साउथ के मतलब लगभग लगभग नेशनल पार्क में ही, द नेशनल पार्क के अंदर ही यू हैव द ब्रह्मपुत्र रिवर, तो यहाँ पर ग्रासलैंड भी है, है ना, यहाँ पे रिवर भी है, यहाँ पे हिमालयाज के फुटहिल्स भी हैं, हिल्स भी हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम इस प्रकार का है कि यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर से रेनफॉल भी अच्छा होता है, तो रिवराइन बायोडाइवर्सिटी, है ना, रिवर की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो भी है यहाँ। ग्रासलैंड में जो जैव विविधता होनी चाहिए वो भी है यहाँ, टॉल ग्रासेस है, है ना, जो हिल्स के फुटहिल्स के आसपास जो जैव विविधता होनी चाहिए उस प्रकार की भी जैव विविधता है। तो वेजिटेशन जो है यहाँ का काफी डाइवर्स है, द काइंड ऑफ वेजिटेशन दिस रीजन हैज इज क्वाइट डाइवर्स, एंड दैट इज द रीजन कि आपको यहाँ पर बहुत अलग अलग वेराइटीज के जानवर मिलते हैं। आपको यहाँ पे एलिफेंट भी मिलेंगे, वन हॉर्न राइनोसेरस भी मिलेंगे, टाइगर्स की भी मैं बता रहा हूँ आपको, वर्ल्ड के, है ना, पूरे वर्ल्ड में हाइएस्ट, मतलब नॉट द हाइएस्ट वन बट अमंग द हाइएस्ट वंस, है ना, यहाँ की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंसिटी है, ठीक है, चलिए। तो काजीरंगा की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। द पार्क इज होम टू लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स, वाइल्ड वाटर बफेलो, स्वाम्प डियर, सब कुछ ही मिलता है यहाँ पर। बायोडाइवर्सिटी बहुत जबरदस्त है इसकी, ठीक है। ये जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, है ना, एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, है ना, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा दिस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया, है ना, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया जिसको बोलते हैं आईबीए बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। वैसे ही जैसे कि रामसर कन्वेंशन, है ना, क्या आइडेंटिफाई करता है, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वैसे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, रामसर एक कन्वेंशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है, पहला होमवर्क आपको बोला काजीरंगा के बिग फाइव क्या है, दूसरा होमवर्क आपको ये है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का इंडिया पार्टनर कौन है, है ना, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का इंडिया पार्टनर जो है वो कौन है, है ना, हु इज इंडिया पार्टनर ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क्स जरूर कर लीजिएगा, आपके फायदे में है, है ना, मेरा कुछ नहीं आता, है ना, और तुम्हारा बहुत कुछ आएगा होमवर्क करने से, ठीक है। तो हु इज द इंडिया पार्टनर ऑफ, विच ऑर्गेनाइजेशन इज पार्टनर ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इन इंडिया, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। चलिए, क्वेश्चन पूछ चुके हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। चलिए, तो भैया ये जो फ्लड आ जाता है यहाँ पे, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या ये खराब है काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए या ठीक है? तो
फ्लड्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए। हालांकि इस बार डैमेज थोड़ा ज़्यादा हुआ, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, एनिमल्स का लॉस है, वो थोड़ा ज़्यादा हुआ, पर फ्लड इन जनरल इज इम्पॉर्टेंट फॉर काजीरंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रीजनरेटिव नेचर है फ्लड का। ये इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम का नेचर ही ऐसा है, यहाँ पे फ्लड का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है ना। तो जो फ्लड्स है वो काजीरंगा के वाटर बॉडीज को रिप्लेनिश करते हैं, है ना, उनमें पानी वानी भर देते हैं, यहाँ के लैंडस्केप को मेंटेन करके रखते हैं, और यहाँ का जो लैंडस्केप है उसमें वेटलैंड्स भी हैं, ग्रासलैंड भी हैं, सेमी एवरग्रीन डेसीडियस फॉरेस्ट भी है, तो इन सबके रेगुलेशन के लिए फ्लड जरूरी है ना। और यहाँ पर फ्लड्स की वजह से फिश का भी ब्रीडिंग ग्राउंड है ना, फिशेज का भी ब्रीडिंग ग्राउंड है, तो एक कंपोनेंट यहाँ की बायोडाइवर्सिटी में वो भी है। और इनफैक्ट मज़ेदार बात यह है कि जब फ्लडिंग होती है तब यहाँ का जो फिश पॉपुलेशन है वो बूम कर जाता है इस नेशनल पार्क में। बायोडाइवर्सिटी वैसे भी काफ़ी अच्छी है ना, फिश पॉपुलेशन बूम कर जाता है। जब वाटर रिसीड करता है ब्रह्मपुत्रा का, है ना, तो अब ऐसा तो थोड़ी ये मतलब फ्लैश फ्लड जैसा नहीं होता कि एक दिन पानी भरा और तुरंत निकल गया। यहाँ इस नेशनल पार्क से पानी निकलने में भी समय लगता है, तो जब पानी रिसीड होता है धीरे धीरे, पानी कम होके वापस से रिवर अपने नेचुरल फ्लो में आता है, ओरिजिनल फ्लो में आता है, तो भैया जब पानी रिसीड होता है तो साथ साथ पानी के साथ साथ फिश भी तो रिसीव होता है। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर में फिश को रिप्लेनिश करने का भी फंक्शन है इस नेशनल पार्क का, ठीक है। तो यहाँ की जो कम्युनिटी है, अगर आप उनके इकोनॉमिक, है ना, उनके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, तो फिश जो है वो यहाँ के लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, फूड हैबिट है वहाँ के, है ना, फूड हैबिट में आसाम के लोग फिश खाते हैं, प्लस एक कम्युनिटी उस पर डिपेंडेंट है, लिवलीहुड भी उस पर डिपेंडेंट है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो फ्लड यहाँ के लिए अच्छे हैं, हालांकि इस बार ज़्यादा आ गया वो अलग बात है, ठीक है, वैसे फ्लड कोई नई बात नहीं है। वन हॉर्न राइनोसेरस से संबंधित, आसाम से संबंधित एक प्रश्न भी पहले आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। There has been a question in the previous year regarding this, है ना। तो तीन statements थे इस question में, है ना, look at this, तीन statements थे। पहला statement था Asiatic lion is naturally found in India only, दूसरा है double humped camel is naturally found in India only, और तीसरा है one horned rhinoceros is naturally found in India only, ठीक है। हर statement में आपने common क्या देखा, India only, है ना, India only, मतलब आपको बताना ये है, एक एशियाटिक एलिफेंट, एक डबल हम्ड कैमल और तीसरा वन हैंड राइनोसेरस, क्या इसमें से कोई भी ऐसा है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो अभी चूंकि हम लोग वन हॉर्न राइनो की बात कर रहे थे तो पहले इसी की बात कर लेते हैं। वन हॉर्न राइनो सिर्फ भारत में पाया जाता है ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। वन हॉर्न राइनो भारत के साथ साथ भूटान में भी पाया जाता है, ठीक है, नेपाल में भी पाया जाता है, और थोड़ी बहुत पॉपुलेशन इसकी पाकिस्तान में भी पाई जाती है, ठीक है, और इंडिया में मेनली ये आसाम में पाया जाता है, इंडिया में मुख्य रूप से ये आसाम में पाया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। डबल हम्ड कैमल जो है इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये भी गलत बात है। वैसे तो ये अगर मैं बिल्कुल बोलूँ कि मेनली कहाँ से बिलोंग करता है डबल हम्ड कैमल, तो डबल हम्ड कैमल जो है वो मेनली बिलोंग करता है जो सेंट्रल एशियन रीजन है वहां से, है ना, पर इंडिया में भी ये मिलता है, जो नुब्रा वैली है उसके आसपास डबल हम्ड कैमल मिलते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका एशियाटिक लायन इज फाउंड इन इंडिया ओनली, ये बिल्कुल सही है, एशियाटिक एलिमेंट सिर्फ भारत में ही मिलता है, एशियाटिक जो लायन है वो सिर्फ भारत में ही मिलता है, तो एशियाटिक लायन ओनली इन इंडिया, ये सही है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर होगा इसका वन ओनली, ठीक है, आंसर होगा इसका वन ओनली। चलिए ये देख लीजिए, वन हॉर्न डायनोसॉरस फाउंड इन, ठीक है भाई, और कन्फाइंड टू टॉल ग्रासेस, ठीक है। डबल हम्ड कैमल ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियन कैमल, है ना, बैक्टीरिया, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, है ना, बैक्टीरियन कैमल बोलते हैं डबल हम्ड कैमल को, नेटिव टू द स्टेपेज सेंट्रल एशियन ग्रासलैंड, ठीक है, और भारत में कहाँ मिलता है, नुब्रा वैली में, ठीक है जी। चलिए तो इस क्वेश्चन को आपने कर लिया सॉल्व, मतलब अच्छा, ये क्वेश्चन तो एक एग्जाम्पल दिखाया है ना, प्रीवियस ईयर में नेशनल पार्क से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, जिन भी लोगों ने, काफ़ी सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले ही काफ़ी सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, जिन भी लोगों ने लेट से ज्वाइन किया है वो इस सेशन के ख़त्म होने के बाद प्लीज़ शुरू से वीडियो को देखिएगा, सो दैट आपका कुछ भी एस्पेक्ट मिस नहीं होना चाहिए। वेन एवर यू प्रिपेयर अ टॉपिक, प्रिपेयर इट होलिस्टिकली, है ना, कोई भी कसर नहीं छोड़ें, कोई भी लूपहोल्स नहीं छोड़ना है, प्रिपरेशन को बिल्कुल
बुलंदी से करना है भाई साहब, है ना। डू नॉट लीव एनी कॉर्नर। तो सेशन के खत्म होने के बाद जो शुरू वाला पोर्शन आपका मिस हो गया उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है हमारा भाविनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। भाविनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बिल्कुल नया नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रहा है, है ना। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, कहाँ की यहाँ पे मेंशन नहीं किया, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला, है ना, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, केरला, ठीक है, ऐड कर लीजिएगा। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला इज सेट टू डिक्लेयर 148 स्क्वायर किलोमीटर बफर जोन ऑफ साइलेंट वैली नेशनल पार्क एज भाविनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। तो जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क था, इसका जो बफर एरिया था, उस बफर एरिया को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में केरला की स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, बना रही है। तो दरअसल ये जो बफर जोन था, दिस बफर जोन ऑफ साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये लार्जेस्ट हेवन बन गया है ड्रैगन फ्लाइज और जो डैम सिल्वलाइज होते हैं उनके लिए। रिसेंट सर्वेज में यहाँ की जो 82 स्पीसीज मिली है, है ना, अमंग विच 14 आर एक्सट्रीमली रेयर। तो अभी कुछ रिसेंट सर्वेज हुए थे, उसमें यहाँ पे 82 फ्लाइज की स्पीसीज मिली है, है ना, और उस 82 स्पीसीज में से जो 14 स्पीसीज हैं वो रेयर थे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेम रिफ्लेक्टेड इन द डाइवर्सिटी ऑफ ओडोनेट्स। ओडोनेट्स क्या होता है, ये हेलीकॉप्टर, है ना, तो हम तो इसको बचपन में हेलीकॉप्टर बोलते थे, पता नहीं आप अपने लैंग्वेज में, आप अपने रीजन में क्या बोलते थे, तो हम इसको बचपन में हेलीकॉप्टर बोला करते थे, पुंछी पकड़ लेते थे इसकी, है ना, फिर वो उड़ने की कोशिश करता था, फिर थोड़ी देर में छोड़ देते थे, कुछ सेकंड्स में ही छोड़ देते थे, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करते थे, पर पुंछी पकड़ लेते थे इसकी। तो ये जो ओडोनेट्स हैं इसमें भी काफ़ी डाइवर्सिटी है। अमंग 488 स्पीशीज ऑफ ओडोनेट्स फाउंड इन इंडिया, द वेस्टर्न घाट्स आर होम टू 193, है ना, 193 स्पीशीज जो है ओडोनेट्स की यहाँ पे मिलती हैं। ओडोनेट्स आर एम्फियोबिटिक, है ना, हैविंग एक्वेटिक लार्वल एंड टेरेस्ट्रियल एडल्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक है ओडोनेट्स की। तो इसीलिए अब यहाँ पर देखा कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो काफ़ी बढ़ रही है, तो इसको एक प्रोटेक्शन देने के लिए इसको, इस बफर जोन को जो पहले साइलेंट वैली नेशनल पार्क का बफर जोन था, उसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रहे हैं, जिसका नाम रहेगा क्या, भाविनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में भी जान लेना चाहिए, जब इतनी चर्चा चली है साइलेंट वैली के ही एक हिस्से को बना रहे हैं, तो लेट अस ऑल्सो नो अबाउट साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली जो है वो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है, है ना, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में नीलगिरी माउंटेन्स में। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बताऊं कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं, है ना, आप जब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच डिफरेंसेस की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, तो जो प्रोमिनेंट डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, है ना, तो जो प्रोमिनेंट डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, उन प्रोमिनेंट डिफरेंसेस में एक डिफरेंस आप ये भी बताते हैं कि वेस्टर्न घाट जो है वो एक कंटिन्यूअस या कंटिगुअस जोन है, है ना, ये कंटिन्यूअस या कंटिगुअस जोन है, ठीक है, कि बिल्कुल रेगुलर जोन है, दिस इज अ रेगुलर जोन वेस्टर्न घाट, जबकि जो ईस्टर्न घाट है वो क्या है, डाइसेक्टेड है, है ना, डाइसेक्टेड है, क्योंकि ये वाला जो रीजन है दैट इज हाईली इरोडेड, है ना, ज्यादातर रिवर्स जो पेनिनसुलर इंडिया में, द मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग, पर्टिकुलरली द मेजर रिवर्स, है ना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, सब ईस्ट फ्लोइंग है। दैट इज द रीजन कि जो हमारा ईस्टर्न घाट है वो काफी डाइसेक्टेड है, लो लाइंग भी है, ये पूरा कंटिन्यूअस रीजन है। इस कंटिन्यूअस रीजन में कुछ पासेस हैं जिसके थ्रू वेस्टर्न घाट से इस तरफ जाया जा सकता है। वन ऑफ द पास इज द पालघाट, है ना, वन ऑफ द गैप इज द पालघाट गैप, है ना, तो पालघाट गैप अगर आपको याद है तो दैट इज वॉट यू कॉल एज द पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, है ना, यहीं पर है वो पालघाट गैप, ठीक है जी, यहीं पर है वो पालघाट गैप जो है वो यहीं पर है, ठीक, पालघाट गैप यहीं पर है, ठीक है। तो आपका तीसरा होमवर्क आज का, योर थर्ड होमवर्क फॉर द डे, है ना, पूरे वेस्टर्न घाट में चार मेन घाट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, है ना, फाइंड आउट द फोर इंपॉर्टेंट गैप्स इन द वेस्टर्न घाट, ठीक है, दैट इज योर थर्ड होमवर्क फॉर द डे, फोर, है ना, गैप्स इन वेस्टर्न घाट के जो चार गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, ये आपका आज का अगला होमवर्क है, ठीक है, कर लेंगे सब लोग। गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर रेडी टू डू द होमवर्क,
कितने बच्चे कर लेंगे इस होमवर्क को, गिव मी अ थम्स अप क्विकली। तीसरा होमवर्क दे रहा हूँ, सारे होमवर्क करने है ना, मिस नहीं करना है आपको, मिस नहीं करना है, बिल्कुल सिंसियरली पढ़ाई कीजिए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में काफ़ी सारा तो मार्केट में हवा बना रखा है, वो हवा किसने बनाया है, वो हवा हमारे ही है ना, हमारे ही जो भाई बंधु हैं अलग अलग कोचिंग वाले है ना, मार्केट तैयार करने के लिए। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि दिल्ली में मुखर्जी नगर जो है मंडी है ना, करोलबाग दूसरा मंडी, नया वाला मंडी, एपीएमसी की तरह है, पर अड़हतियों की चलने नहीं देंगे, अड़हतियों की चलने नहीं देंगे, आप टेंशन मत लो है ना। एम्पावर होगा कौन, स्टूडेंट, स्टूडेंट एम्पावर होगा, बढ़िया प्रिपरेशन होगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस लगे रहिए है ना, लगे रहिए, राइट डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस, दैट्स इट है ना, एंड कंसिस्टेंट प्रिपरेशन ऑब्वियसली। ठीक है जी, चलिए, तो दिस इज द हार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, उसका हार्ट है, एंड कंसिस्ट ऑफ एरिया साउथ वेस्टर्न घाट्स है ना, रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन जंगल। ठीक, रिवर कुंथी जो है वो भी यहाँ से पार करती है साइलेंट वैली से। ठीक है, आपको पता होगा साइलेंट वैली इंडिया में जो एनवायरमेंटल मूवमेंट चले हैं तो उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंट है ना, मतलब दो तीन आपको तो बिल्कुल नाम पे मुंह पे आपको दो तीन नाम याद रहते हैं, फॉर एग्जांपल चिपको मूवमेंट है ना, तो साइलेंट वैली मूवमेंट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था उसमें से। साइलेंट वैली मूवमेंट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट अमंग द एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, चलिए, तो फ्लोरा की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ह्यूमिड वेट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यहाँ पर है, और मेजर प्लांट्स यहाँ पे इस नेशनल पार्क में जो है वो है टीक है, आमला है, सीमल है, रोजवुड है, अलॉन्ग विथ बाम्बू। ठीक है, फौना की अगर बात करें तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज मेनली नोन फॉर हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे कि लायन टेल्ड मकैक है ना, तो लायन टेल्ड मकैक जो है वो यहाँ पर काफ़ी संख्या में पाया जाता है, और टाइगर है, ग्वार है, लियोपर्ड है, ठीक है, वाइल्ड बोर, पैंथर, इंडियन सीवेट और सांबर डियर यहाँ पर आपको मिलते हैं, तो ये सारा यहाँ का फ्लोरा और फौना है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा न्यूज में रहा है अभी रिसेंटली वो है नामदाफा टाइगर रिजर्व। राइट, नामदाफा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, और ये न्यूज में क्यों था, वाई वॉज दिस इन न्यूज है ना, वाई वॉज दिस इन न्यूज, नामदाफा टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज में था आखिर, एनी आइडिया? नामदाफा टाइगर रिजर्व न्यूज में था जो हमारा नामदाफा इज इन अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो नामदाफा टाइगर रिजर्व को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए ये न्यूज़ में आया था। वैसे ये न्यूज़ में 2019 के अंत में भी आया था, 2019 के अंत में इसलिए आया था क्योंकि नामदाफा टाइगर रिजर्व के जो स्टाफ्स थे उनको ले ऑफ कर दिया गया था, हटा दिया गया था, तो जानवरों के कंजर्वेशन पर फिर एक मतलब सवाल या निशान लग रहा था कि कैसे यहाँ पर फिर सारा काम होगा। ठीक है, तो वो खैर पुरानी बात है और कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी नहीं थी, बट चूंकि मतलब मेरे दिमाग में यहाँ पर भरा हुआ था तो मैंने सोचा बता ही देता हूँ। ठीक है, और नामदाफा टाइगर रिजर्व अभी 2020 में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से न्यूज़ में था। ठीक है, तो ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है ना, अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, कहाँ पे, चंगलांग डिस्ट्रिक्ट में है ना, इन चंगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल म्यांमार के साथ जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके साथ लगता हुआ रीजन है ये नामदाफा टाइगर रिजर्व है ना। तो नामदाफा दरअसल एक रिवर का नाम है ना, नामदाफा इज नेम ऑफ अ रिवर, बात करेंगे उसके बारे में। एरिया इज लोकेटेड बिटवीन दाफा बम रिज है ना ऑफ मिशमी हिल्स, आउटस्पर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज एंड पटकाई रेंज। ठीक है, तो कहाँ पर लोकेटेड है ये, मिशमी और पटकाई के पास, मिशमी एंड पटकाई के पास, मिशमी एंड पटकाई बम, मिशमी एंड पटकाई बम। ठीक है, तो पटकाई बम आपको याद होगा जब आप बात करते हैं ईस्टर्न हिमालयाज की, देखो ऐसे है हमारा वेस्ट टू ईस्ट हिमालयाज है ना, और फिर ऐसे बेंट लेता है, तो यहीं पे है आपका पटकाई बम बिल्कुल नॉर्थ में। ठीक है, तो वहां पे है पटकाई बम, अरुणाचल भी वहीं पे है, कॉर्नर का स्टेट है, ईस्टर्न मोस्ट है ना। चलिए, तो नामदफा जो है वो दरअसल एक रिवर का नाम है जो यहाँ पर है, रिवर के नाम पर ही इस प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का, इस प्रोटेक्टेड एरिया का नाम रखा गया है, रिजर्व रिवर के ही नाम पे इसका नाम है। ठीक है, तो दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम दाफाबुम एंड मीट्स नोआ दिहिंग है ना, नोआ दिहिंग, दिहिंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, मतलब ये ब्रह्मपुत्रा की सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है, नामदफा मीट्स नोआ दिहिंग
एंड नोआदिंग देन जॉइंस ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तो नामदफा रिवर। ये रिवर जो है दिस फ्लोज राइट अक्रॉस इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द नेशनल पार्क एंड हेंस नेम नामदफा हैज बीन गिवन, ठीक है, इसी रिवर की वजह से नामदफा नाम यहाँ पर दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है और खासकर नॉर्थ ईस्ट का प्रोटेक्टेड एरिया है, तो आपको जरूर याद रखना चाहिए। मैं आपको हमेशा कहता हूँ नॉर्थ ईस्ट से कुछ भी न्यूज़ में हो, चाहे कोई मूवमेंट न्यूज़ में आए, है ना, कुछ वहाँ से रिलेटेड हिस्टोरिकल न्यूज़ में आए, जैसे रानी गदलू है ना, यहाँ से रिलेटेड कुछ एनवायरमेंट से संबंधित कुछ न्यूज़ में आए, तो इनको आप ज़रूर पढ़ा करें। वहाँ के ट्राइबल मूव का कोई एजिटेशन हो, कोई मूवमेंट हो, उनके बारे में ज़रूर पढ़ें, है ना, प्लीज़ डू रूट देम। UPSC का स्पेशल फोकस रहता है इन एरियाज पे। चलिए अगला जो है वो है माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क जो है बिल्कुल, है ना, नॉर्थ इंडियन सा नाम लग रहा है, तो बिल्कुल सेंट्रल इंडिया में एक जगह है मध्य प्रदेश, वहाँ पे है माधव नेशनल पार्क। ये किस वजह से न्यूज़ में था? ये एनक्रोचमेंट्स की वजह से न्यूज़ में था। द एनक्रोचमेंट ऑफ माधव नेशनल पार्क लैंड इन मधुज प्रदेश, है ना, मधुज प्रदेश, ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, मध्य प्रदेश होना चाहिए ना, मध्य प्रदेश, मधुज प्रदेश, है ना, मधुज प्रदेश, समझ रहे हो तुम कहाँ जा रहे हैं, है ना, तो आज थोड़ी नियत जो है माधव नेशनल पार्क की ठीक नहीं लग रही। चलिए, तो लैंड इन मध्य प्रदेश कंटिन्यूज अनचेक्ड इवन दो द लैंड वॉज अलॉटेड टू मेक वे फॉर टाइगर कॉरिडोर, है ना, टाइगर कॉरिडोर के लिए यहाँ पे लैंड प्रोवाइड किया गया, फिर भी यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट है वो अनचेक्ड चल रहा है। माधव नेशनल पार्क इज सिचुएटेड नियर शिवपुरी टाउन इन मध्य प्रदेश, है ना, ऋषिकेश वाला शिवपुरी नहीं जहाँ आप कैंपिंग राफ्टिंग के लिए जाते हैं, ये मध्य प्रदेश का शिवपुरी है भैया, ठीक है। इट इज़ पार्ट ऑफ अपर विंध्यन हिल्स, ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ अपर विंध्यन हिल्स, मतलब जो नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ में लोकेटेड है, राइट, नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा, नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा, ठीक है जी। चलिए, तो द पार्क वॉज द हंटिंग ग्राउंड ऑफ मुगल एम्परर्स एंड महाराजा ऑफ ग्वालियर एंड इट गॉट इट स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क इन 1958, ठीक है। तो माधव किसका नाम है पता है ना आपको, सिंधिया फैमिली, है ना, सिंधिया फैमिली। तो यहाँ पे ग्वालियर के जो महाराजा थे, ग्वालियर के महाराजा द सिंधियाज, ठीक है, इनके लिए और मुगल्स के लिए ये बेसिकली हंटिंग ग्राउंड हुआ करते थे, शिकार करने जाते थे यहाँ पे, है ना। तो शिकार, आपको पता है कि शिकार जो है वो सिर्फ जानवरों को, मतलब ऐसे कुछ खाने के लिए नहीं मारते थे, शौक से मारते थे। तो दिस यूज टू बी लीजर एक्टिविटीज ड्यूरिंग दोज डेज, है ना, पॉपुलर लीजर एक्टिविटी, बड़े लोगों का शौक हुआ करता था। जैसे आज आप पब में और वहाँ जाते हो क्लब्स में, वैसे वो लोग जाया करते थे आखेट करने, है ना, आखेट करने, जंगलों में चलो और शिकार करेंगे भाई साहब। तो पूरा बिल्कुल शामियाना वामियाना सब जाता था जंगलों में, एकदम लाओ लश्कर के साथ, है ना, वहीं पे मीट वीट बन रहा है, तंदूर वंदूर लगाओ, एकदम ग्रिल कर रहे हैं, है ना, और फिर शिकार करने निकलते थे जो मिल जाए, और नहीं भी मिले तो कोई सहयोगी, कोई सेना में कोई अच्छा हो वो मार देता था और महाराजा का नाम हो जाता, हाँ भाई महाराजा ने आज बाघ मार दिया, है ना, तो महाराजा के नाम पे बम फोड़ दिया जाता था। और जब थोड़ा मॉडर्न टाइम में आ गए, जब फोटोग्राफी वगैरह शुरू हो गई, तो कोई एक आदमी मार के ला देता था, खड़ा कर दिया, महाराजा बंदूक लेके साथ में खड़े हो गए, मूछों को ताव देते हुए, मैंने मारा है, है ना। तो ऐसा सिस्टम चलता था। अकबर के साथ भी तो यही हुआ था, हेमू को मार नहीं पाया था, बच्चा सा था, बालक था, बेचारा कैसे मारता, है ना, बैरक खान ने दिया खचाक, अकबर को पकड़ के लाया, है ना, पहले सारे सिपाहियों को बोला घेर लो, है ना, घेर लो, सारे सिपाहियों ने घेर लिया, हेमू को मारा खचाक, तलवार अकबर के हाथ में थमा दिया और अकबर को बाहर लेके आया, बोला ये देखो शहंशाह अकबर जिल्ले इलाही, बस तुमको भी यही करना है, कल को DM बन जाओगे तो भावनाओं में मत बह जाना कि एकदम फ्रंट में जाके पहुंच गए, कोई राइट हुआ दंगा हुआ एकदम फ्रंट में जाके पहुंच गए, ना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है, बैक चैनल डिप्लोमेसी करेंगे, काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है, दंगा हो सामने मत चले जाना जोश जोश में एकदम एकदम, है ना। तो अभी मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम लोग तुरंत गूगल करके देखने लगोगे, यहीं पास की दिल्ली के पास ही की कहानी है, चलो बता ही देता हूँ, अंदाजा तुम लगा ही लोगे कौन सा राज्य वैसे हो सकता है। ये तो कोई अपना ही लड़का था, पोस्टिंग हुई उसकी ट्रेनिंग पीरियड में, है ना, YBIPS है, YBIPS, उस समय शादी नहीं हुई थी हालांकि, या हो गई थी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, तो घूमने निकला था, वाईफाई भी थी, घूमने निकला था, उसको
पता लगा कि इस एरिया में ना नकली शराब बन रहे हैं, वहाँ पे नकली शराब का कारखाना है। वो नया आया था इसलिए उसको उस दिन पता चला ना, बाकी पुलिस वालों को तो पहले सब कुछ पता होता है यार, सब वेल इन्फॉर्म्ड होता है, कोई टेंशन। अब उसको तुरंत पता चला, वो घूमने निकला हुआ था साथ में, है ना, प्रोटेक्शन वोटेक्शन नहीं है कोई, वो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, एक वो साथ में एक वैन होती है ना, उसका एक टेक्निकल टर्म होता है उसके लिए, मैं भूल गया, खैर कोई बात नहीं। तो वैन भी नहीं थी साथ में, मतलब जो साथ में और पुलिसकर्मी होते हैं, सुरक्षाकर्मी, वो सब नहीं थे। IPS हैं, निकल गए भाई साहब, है ना, नकली शराब रुकवाएंगे, गन पॉइंट डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट गन पॉइंट पे रख दिया है। अच्छा हुआ जब गाड़ी घुमाई उससे पहले वायरलेस पे इन्फॉर्म कर दिया था, तो गन पॉइंट पे रखा ही था, तब तक रीएनफोर्समेंट आ गया, तो फिर SP साहब को बचा के निकाला गया, है ना। ज़्यादा बहादुरी मत करना, ठीक, वो भी बीवी के साथ और था, ज़्यादा बहादुरी मत करना। खैर SP साहब को बचाया गया, वो माल जब्त कर लिया गया, मंत्री जी का फोन आ गया। शरीफ लोगों को परेशान नहीं करना है, आप पदास्थापित हुए हैं जनता की सेवा के लिए, है ना, ऐसे ना करें। अब ये अलग टेंशन भाई साहब, ठीक है। तो ट्रेनिंग के टाइम पे ज़्यादा स्वैग नहीं करना, ठीक है। बाकी कभी कुछ ऐसा लगे कि कुछ बहुत ज़्यादा करने की इच्छा हो रही है पर समझ ना आए, करें ना करें, फ़ोन करके पूछ लेना, ठीक है। बाद में आओ, बाद में मुझसे पूछो, बाद में आओ कि सर ये हो गया कांड, अब क्या करें, तो उससे अच्छा है पहले ही सलाह ले लेना, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, तो माधव नेशनल पार्क के बारे में बात करें थी। तो पार्क इज कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई डेसीडस एंड ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट दैट मेक होम फॉर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एंटीलोप्स लाइक नीलगाय, चिंकारा एंड डियर, है ना। तो जब शिकार करते थे सिंधियाज यहाँ पे, तो बस हिरन मारते थे और कुछ था ही नहीं, यहाँ पे मारेंगे क्या, ठीक है। तो दिस इज होम टू पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTGs जैसे कि सहारिया, ठीक है। तो सहारिया ट्राइब वगैरह जो है वो यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थे जो न्यूज में थे, दैट इज ऑल अबाउट इट, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस यही थे, बाकी प्रिलिम्स का एग्जामिनेशन जो है वो जब मे एंड में होगा तब तक कुछ और आ जाएंगे न्यूज में, तो आप चिंता नहीं करें, मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, है ना, सेकंड या थर्ड लाइन पे टेलीग्राम चैनल का ही डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मेरे से जुड़े रहिए, आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 8 AM पे हम लोग मॉर्निंग में 8 AM पे, पहले 7 AM पे करते थे, आज से इसका टाइम हम लोगों ने 8 AM कर दिया है। 8 AM पे एक डेली करंट अफेयर्स करते हैं हम लोग, है ना, डेली करंट अफेयर्स करते हैं जिसका नाम है डेली करंट मास्टर सीरीज। तो इसमें प्रिलिम्स प्लस मेंस के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है इसको हम लोग करते हैं, तो आप यहाँ पे मुझे डेली ज्वाइन कर सकते हैं, ये डेली होता है 7 days a week, है ना, दिस इज 7 days a week, तो यहाँ पे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चाहे एनवायरमेंट से रिलेटेड करंट अपडेट्स हो, पॉलिटी से रिलेटेड करंट अपडेट्स हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, प्रिलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से, है ना, जिस टॉपिक का जैसा वेटेज होगा, जैसा नेचर होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको यहाँ पर बिल्कुल होलिस्टिकली डिस्कस कर लेते हैं, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, है ना, सब कुछ इंक्लूड करते हुए, PIB वगैरह सब कुछ यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर डेली 8 बजे सुबह से हुआ करेगा, है ना, पहले 7 बजे होता था, आज से हमने चेंज किया इसका थोड़ा फॉर्मेट, और अब ये 8 बजे से होगा। कुछ और एक दो चेंजेस आ रहे हैं जो कि आपको न्यू ईयर यानी कि 2021 में पता चलेंगे, पर टाइमिंग यही रहने वाला है, 8 AM विल बी द टाइम फॉर नाउ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, कल मैंने एक CSAT पर स्ट्रैटेजी वीडियो लिया था, अगर आप में से किसी लोगों को CSAT से संबंधित कुछ परेशानियां लगती हों, कुछ दिक्कतें लगती हों, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, है ना, कल के वीडियो जाकर सर्च कर लीजिएगा, या आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल, टेलीग्राम चैनल ये है @ROHAN1, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं या वैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब लाइव का जो टाइम है मेरा वो है, पहले 7 AM था, 7 AM को चेंज करके अब हमने क्या कर दिया, मैंने आपको बताया 8 AM कर दिया है। 12 PM पे मैं इंडियन ज्योग्राफी लेकर आपके लिए आता हूँ, और 7 PM पे मैं वर्ल्ड हिस्ट्री लेकर आता हूँ। अनअकैडमी के ऐप पे भी कुछ फ्री क्लासेस है मेरी, 2 PM पे एक स्टैटिक का क्विज है, 3 PM पे कल से क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि 4 to 6 एक प्लस बैच कल से शुरू कर रहे हैं। 9 PM पे डेली करंट का क्विज वीकडेज में करते हैं, आज नहीं करेंगे, वीकडेज में करते हैं।
ठीक है। चलिए, एक 6 मंथ्स का अल्टीमेट बैच हम लोग 2021 के बच्चों के लिए अनअकैडमी के ऐप पर शुरू कर रहे हैं, पेड प्लेटफॉर्म में, है ना। जो अनअकैडमी का पेड प्लेटफॉर्म यानी कि अनअकैडमी प्लस है, वहां पे एक 6 मंथ्स का अल्टीमेट बैच शुरू कर रहे हैं। एक बैच 1 ईयर का भी शुरू हो रहा है 2022 वालों के लिए, और एक बैच 2 ईयर का भी शुरू हो रहा है 2023 वालों के लिए। तो कल से यानी कि 28 दिसंबर से 3 बैचेस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे शुरू हो रहे हैं। इंडिया के फाइनेस्ट एडुकेटर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं है। लाइव क्लासेस होंगी, उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल रहेंगी, पीडीएफ भी मिलेंगे, है ना, और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज और क्विजेस भी मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी मेंस की भी तैयारी इसी प्लेटफॉर्म पर हो जाएगी। अभी आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है और आपकी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी यहीं पर हो जाएगी, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको ये वाला कोड यूज़ करना है, DN Live। इस कोड को यूज़ करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अपने सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन की क्या फी अगर है वो अभी बिल्कुल आपको बताऊंगा, है ना। अच्छा, जितने भी एडुकेटर्स यहाँ पे, वो इंडिया के फाइनेस्ट एडुकेटर्स हैं। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, इवन वी हैव एडुकेटर्स फ्रॉम वाजीराम एंड रवि, है ना, मृणाल पटेल सर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एडुकेटर, सिद्धार्थ अरोड़ा हमारे साथ होंगे, है ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट के भी लॉयर हैं। मैं भी आपके साथ होंगे, इवन कल से जो बैच शुरू हो रही है 4 बजे से 6 बजे मेरी क्लास है, तो बैच की स्टार्टिंग ही मैं ही कर रहा हूँ, है ना, तो बैच विल बी स्टार्टेड बाय मी। बैच की स्टार्टिंग मैं करूँगा, आई विल बी ड्राइविंग, है ना, आई विल बी एट द ड्राइविंग सीट। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आइए, क्लासेज अटेंड कीजिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, है ना। सारी चीज़ें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस है, बिल्कुल लाइव और इंटरेक्टिव सेशन है। और जो हमारा प्लस का प्लेटफॉर्म है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि काफ़ी इंटरेक्ट भी कर सकते हैं आप रियल टाइम बेसिस पे। आपने कोई क्वेश्चन क्लिक किया बुक से और वो भी तुरंत आप अपलोड कर सकते हैं, सब रियल टाइम बेसिस पे। टीचर के लिए भी विजिबल होगा, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी विजिबल होगा, और आराम से आप वहाँ पर इंटरेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी आपको एक मतलब एनवायरमेंट भी बहुत बढ़िया सा मिलेगा, एक एनकरेजिंग एनवायरमेंट भी कहूँगा और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट भी कहूँगा। एक बहुत बढ़िया स्टफ जो है वो हमारे प्लस के ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और एक मतलब आप जिसको कहते हैं ना इकोसिस्टम, माहौल बनना, तो माहौल जो है वो वहाँ पर आपको मिलेगा, है ना। तो वो बिल्कुल आपको ये नहीं लगेगा कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में नहीं पढ़ा, मैं फिजिकल क्लासरूम में नहीं हूँ, उसी तरह का माहौल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसीलिए आप आराम से सब्सक्रिप्शन पे ज्वाइन कर लीजिए, टाइम वैसे भी लिमिटेड है, खासकर 2021 वालों के लिए। और मेरा तो पर्सनली मानना है, है ना, हमारे बैचेस 2021 के लिए लॉन्च हो रहे थे, पर मैंने बोला नहीं 2022 के लिए भी लॉन्च कीजिए, क्योंकि 2022 के लिए भी ज़्यादा समय नहीं बचा है। जिन बच्चों को सिंसियरली प्रिपरेशन करना है तो 1.5 साल, है ना, 1.5 साल जो है वो एक मतलब बहुत राइट टाइम है, सो दैट आप शुरुआत से ही मेंस की भी तैयारी कर सकें, आप थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग भी पहले से प्रैक्टिस कर सकें। तो 2022 के जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत राइट समय है सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने का, है ना, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए अलग से बैच है, वो 1 ईयर का बैच कोर्स चलेगा, ठीक है। अच्छा, कई सारे बच्चों की चिंता होती है सर CSAT, तो CSAT भी यहीं पर इंक्लूडेड रहेगा सब्सक्रिप्शन के अंदर ही, उसके लिए भी आपको अलग से कोई फी वगैरह नहीं देनी, है ना। चलिए, तो DN Live कोड है, इस कोड को ध्यान रखना है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा व्हेन यू अप्लाई दिस कोड। और आप डायरेक्टली मेरे साथ प्लस के प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहेंगे, ड्राइविंग सीट पर भी मैं ही हूँ वैसे ही, है ना, तो ड्राइविंग सीट पर भी मैं हूँ, कोड भी आप मेरा डालेंगे तो मेरे से कनेक्टेड रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है जी। चलिए, तो सर सब्सक्रिप्शन की फ़ी कितनी है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन जो है वो 49,000 का है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 72,000 का है, 3 ईयर का 90,000 का है। आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है कोड जो आपको बता रखा है, ठीक है। कोड अप्लाई करने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये हो जाएगा फी 44,000, 64,000 और 81,000, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो आप स्पेशल क्लासेस यानी कि फ्री क्लासेस ऐप पे देखते हैं मेरे साथ, उनके भी आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, ठीक है। 1 credit is equal to 1 rupee, तो जितना भी क्रेडिट आपने अर्न किया हो, कई सारे बच्चों के पास 3,000 क्रेडिट्स हैं, है ना, तो कई सारे बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया भी, उनको 3,000 रुपये का, 3,500-4,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिला है। तो एक तो आपको 10% डिस्काउंट यहाँ से मिल जाता है, प्लस जितना क्रेडिट आपके पास है वो क्रेडिट भी आपका माइनस हो जाता है सब्सक्रिप्शन लेते समय। बस जब आप पेमेंट वाले पेज में हो तो वहाँ पे साइड में एक बटन आ रहा होगा, उस पर लिखा होगा रिडीम क्रेडिट्स, है ना, रिडीम क्रेडिट्स, तो रिडीम क्रेडिट पे आपको क्लिक करना है, बस हो गया काम आपका, ठीक है। तो क्लिक ऑन रिडीम क्रेडिट, आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। अच्छा, पेमेंट कैसे करना है सर, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर EMI का ऑप्शन लेना है तब आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके EMI का ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं,
ध्यान रखिएगा ईएमआई का ऑप्शन सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स पर अवेलेबल है या एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड पे, ठीक है। कौन से बैंक के? एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड पे या बाकी बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स पे अवेलेबल है। ये फी का स्ट्रक्चर है। आप चाहते हो नहीं सर मुझे मेंटरशिप भी चाहिए तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक में जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो रहेंगी, साथ में आपको एक मेंटर अलॉट कर दिया जाएगा, वो आपके डेली शेड्यूल वगैरह का ध्यान रखेंगे, है ना, वो आपको क्वेश्चंस लिखने के लिए दिया करेंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको एडिशनल मिल जाएगी। उसके सब्सक्रिप्शन के चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है, पर एडिशनल बेनिफिट भी है। यहाँ पे भी आप वही सेम डीएन लाइव कोड लगाइएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 10% का, जो क्रेडिट होता है वो भी रिडीम होगा। अच्छा, जो ये हमारा आइकॉनिक है इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन चार्जेस, तो अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा, एक दो दिन में इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। मृणाल पटेल सर की बुक अच्छी है प्रीवियस ईयर की, आप वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। कल मिलूंगा मैं आप लोगों से सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में, और फिर वहां पर चर्चा करेंगे काफी सारी, ठीक है। डन, थैंक यू काजी, थैंक यू सोनाली, बाय बाय ठाकुर योगेंद्र, प्लीज ब्रिंग मोर वीडियोज ऑन सच टॉपिक, श्योर व्हाई नॉट, ठीक है जी। ओके मोहित मिश्रा, चलिए सर जब आप हैं तो हमें कोई चिंता नहीं, ईस्ट और वेस्ट आवर नंदन सर इज द बेस्ट, थैंक यू। हाँ सर्दी की वजह से टाइम चेंज कर दिया है मैंने, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, वाइफ के सामने बेइज्जती कर दी, आप भी ज्यादा समझदारी मत करना, फिर भी आपकी भी बेइज्जती हो जाएगी। साइंस और एनवायरनमेंट मैं नहीं पढ़ाता यार, सब कुछ मैं ही पढ़ाऊंगा क्या, मेरी अभी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है 7 PM पे और 12 PM पे दिन में, बिल्कुल नून में मैं ज्योग्राफी की क्लासेस लेता हूँ, इंडियन ज्योग्राफी की, 8 AM पे मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स लेता हूँ, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ऐप पे जुड़े रहिए मेरे साथ, टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना, @arohan1 पे, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। चलिए तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं बच्चों, और बाकी की बातें मिलेंगे फिर से करेंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। कपिल देव जी गुड नाइट, APMC की क्लास आज नहीं ले रहे, कल ले लेंगे, मैं आपको APMC वाला टॉपिक करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहें उसके लिए, है ना, आज नहीं ले रहे, मैं उसको करवा दूंगा आपको, ठीक है, ठीक है जी, चिंतित ना हो। सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बुक लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा, डो नॉट वरी। गुड इवनिंग देवेंद्र, गुड इवनिंग जी, ठीक है सर। आप लर्निंग ऐप वाली वीडियोस यूट्यूब पर प्रोवाइड करा दीजिए, आप लर्निंग ऐप पर क्लास अटेंड कर लीजिए, जब लर्निंग ऐप आपके लिए अवेलेबल है वहाँ पे जो फ्री क्लासेस हैं वो तो आप वहाँ भी अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, आपको ऐप डाउनलोड करना है बस, है ना, इतनी सी मेहनत करनी है, इतना सा भी मेहनत करने में दिक्कत है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, बस हो गया काम, इतना सा करना है आपको, है ना। लर्निंग ऐप पे इंटरेक्ट करेंगे तो वो और ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, वो प्लेटफॉर्म और ज़्यादा मज़ेदार है ना, अच्छा प्लेटफॉर्म है। रेस्ट कीजिए सर आप, टेक केयर, ओके गाइज, थैंक यू, यू गाइज आर सो स्वीट, चलिए ठीक है आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड लेट्स क्रैक इट।